अच्छे मनुष्य की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय श्रोता बंधुओं, कलयुग में औसतन मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं जो 100 वर्ष की आयु को पूर्ण कर पाते हैं, एवं जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, परोपकारी पुण्यात्मा होते हैं, वो व्यक्ति और भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते देखे जाते हैं। यह बात तो सत्य है कि इस मृत्यु भूमि पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई लंबे समय तक जीवित रहता है तो कोई कम समय तक जीवित रह पाता है, परंतु मृत्यु सभी की होती है। बंधुओं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के जन्म के पूर्व ही विधाता द्वारा मनुष्य के भाग्य में तीन चीज़ों को लिख दिया जाता है, और वह है जन्म, विवाह और मृत्यु। कहा भी जाता है कि जन्म, विवाह, मरण गति सोई, जो जहाँ लिखा तहाँ तस होई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मान्य है कि संसार में जो भी जन्म लेते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो, वो सब किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेते हैं। उद्देश्य पूर्ण होते ही उन्हें यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। मित्रों, अच्छे मनुष्य की मृत्यु जल्द इसलिए हो जाती है क्योंकि उस मनुष्य के जन्म लेने का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो चुका होता है, इसलिए वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।